हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशंस। इसमें बोला है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू दे दी है हमें, स्टार्टिंग की चार टर्म्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी दे दी 10 और डी की वैल्यू कितनी दे दी 10। ठीक है, तो यहाँ पर पहली टर्म कितनी है अपने पास में 10 है, तो देखो 10 बन जाएगा। अगली टर्म में क्या होगा, ये जो डी है ना, ये धीरे 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 बढ़ता रहता है, धीरे धीरे इसको हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 10 है, अब इसमें ये 10 जोड़ दो तो कितना हो गया 10 प्लस 10। फिर अगली बार क्या जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10। ये तो स्टार्टिंग का था और ये दो बार जुड़ गया डी, फिर स्टार्टिंग का 10, फिर बाद कितनी बार जुड़ जाएगा, तीन बार जुड़ जाएगा ये। तो ये क्या बना, पहली टर्म क्या आई 10, दूसरी टर्म कितनी आई अपनी 20, फिर कितनी आई 30, फिर आएगी 40, फिर आएगी 50, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, इन ये है फर्स्ट टर्म हो गई, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, ये अपना टर्म्स का ना नंबरिंग लिखने का तरीका, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है -2 और डी की वैल्यू गिवन है 0। देखो डी 0 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, डी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ए वन निकालते, ए वन में क्या आएगा, पहली टर्म यही है तो ए वन में ये ए आ जाएगा, कितना -2। फिर ए टू निकालते हैं, ए टू में क्या आएगा, ये पहली टर्म -2 और इसमें वो डी जुड़ जाएगा एक बार, तो कितना आया -2। फिर ए थ्री निकालते हैं, -2 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, -2 ही रहेगा। फिर ए फोर निकालते तो -2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एक बार और 0 बढ़ जाएगा, तो भी -2 ही रहेगा। ऐसे करते करते हम आगे से आगे बनाते रहेंगे। ये स्टार्टिंग की कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3। ठीक है, इसमें एपी बनाते हैं। ए वन में क्या आ जाएगा, ए वन मतलब पहली टर्म, पहली ये ए का मतलब भी पहली टर्म ही होता, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आ गया ए टू, ए टू मतलब पहली टर्म और एक बार डी जोड़ दो, तो 4 और -3 एक बार लग जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो गया 1। देखो कम हो गया नंबर, अब और कम हो जाएगा ए थ्री में, ए थ्री तीसरी टर्म, तो 4 पहली टर्म में से एक बार माइनस कर दिया 3, फिर एक बार और माइनस करेंगे, तो इसको सोल्व करके देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पे 4 - 6 हो गया, तो ये -2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब करते हैं चौथी टर्म की बात, तो 4 एक ये बढ़ते चले जाते हैं हमेशा कॉमन डिफरेंस, 3 - 3 - 3। ठीक है, इस बार कितना आ जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो -5 आ जाएगी। ये होगी इसकी चार टर्म्स, 4, फिर आया 1, फिर -2, -5, इस टाइप से। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये है एपी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड हो गया, अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू 1/2 लिखा है। ठीक है, तो ए वन लिखते हैं सबसे पहले, ए वन कितना आएगा, पहली टर्म -1, यही हो गया ए वन। फिर लिखेंगे ए टू, ए टू में क्या आएगा, ये पहली टर्म -1 है ना, इसमें एक बार ये हाफ हम जोड़ देंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा, -1 + ½ कितना हो जाएगा, -2। इसके बाद में लगाते हैं तीसरी टर्म, इसमें -1 एक बार आएगा और ये हाफ आ जाएगा दो बार, 1/2 + 1/2, तो इसको सोल्व कर लेंगे, -1 और हाफ ये एक हो जाएगा, वो एक ये -1 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनको सोल्व करना वो अपनी जगह पर कैलकुलेशन। ए फोर -1 + ½ + ½ + ½, तो देखो ध्यान से, धीरे धीरे ये -1 था, ये -1/2 हो गया, फिर हाफ बढ़ गया तो 0 आ गया, फिर हाफ बढ़ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, इस टाइप से। तो अपनी टर्म्स क्या आई, पहली आई -1, फिर -1/2, तीसरी आई 0, फिर चौथी आई 1/2, और ऐसे ये बन गई सारी की सारी एपी। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, ए की वैल्यू कितनी है -1.25, ओके, और डी की वैल्यू ये भी है माइनस में 0.25,
a1 पहली टर्म यही है, पहली टर्म -1.25। फिर a2 की बात करते हैं, a2 में क्या आता है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, a प्लस डी आ जाता है, तो -1.25 और ये एज इट इज -0.25, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, -1.50। ठीक है, a3 में क्या आएगा, उसमें फिर ये जोड़ देंगे हम, या फिर ऐसे लिख लो 1.25 -0.25 -0.25, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1.75। फिर a4 कितना आएगा, उसके अंदर फिर पॉइंट ये वाला, ये बार 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 एड होता रहता है, ये -1.75 में से वो जीरो पॉइंट माइनस का 0.25 फिर एड कर दो, कितना बन जाएगा -2.00। ठीक है, तो ये नंबर्स मिल रहे हैं हमें ए पी के, ये पहला नंबर हो गया, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई और ये अपना क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमें ए बताना है, फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी बताना हमें। ए तो देखो साफ साफ दिख रहा है, ये जो पहला नंबर है यही फर्स्ट टर्म है, डी कैसे निकालेंगे हम, आगे वाले में से पिछला वाला माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर एपी जो लिखी है, एपी क्या लिखी है, यहाँ पर एपी लिखा है 3, 3, 1, -1, -3 और आगे से आगे चला जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं ए, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख ही रहा है ए कितना है, ये ए वन ही है, ये देखो ये ए वन है, ये ए टू है, ये है ए थ्री, ये है ए फोर। ठीक है, ऐसे आगे से आगे, तो जो ए वन है वही ए होता है, कितना 3। अब डी कैसे निकालते हैं, डी आगे वाली टर्म में से पिछली वाली माइनस करके पता करते हैं, तो ये वन है वो, मतलब इस टाइप से ए टू माइनस ए वन करके, ए टू का रोल कौन प्ले कर रहा है, वन, वन माइनस इसे पिछली वाली 3। ठीक है, आगे वाला माइनस पीछे वाला करते हैं, तो वन माइनस 3 कितना आया, -2, डी की वैल्यू कितनी हो गई, -2। इसने बोला है एपी है, तो हमें ऐसा नहीं चेक करना कि एपी है कि नहीं, एपी है, क्वेश्चन ने बोला एपी है तो एपी है। फिर एपी, अगली एपी कितनी है, -5, -1 और फिर 3 है, फिर 7 है, तो ये ए वन है, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ऐसे आगे से आगे, तो ए कितना हो गया, ये पहला नंबर ये ए हो गया -5। चलो डी निकालते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, जरूरी नहीं हम दूसरा माइनस पहला करें, हम तीसरा माइनस दूसरा भी कर सकते हैं या फिर चौथा माइनस तीसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा माइनस ये कर लो, यहाँ पे आसान है ना, ये देखो मैं इस बार कर रहा हूँ, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, कोई भी दो लगातार माइनस कर लो, यहाँ पे देखो ए फोर माइनस ए थ्री लगा के बताता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 7 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शन में लिखे हुए चीज़ें, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये चीज़ें लिखी हुई है, इनको सोल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। ए कितना है, ये पहला नंबर ही ए है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। डी निकालते, डी कैसे निकाले, आगे वाला माइनस पीछे वाला है ना, तो 5/3 में से ये 1/3 माइनस कर दो, तो इन दोनों का एलसीएम 3, 5 - 1 ऊपर आ जाएगा, 5 - 1 कितना बचा, 4/3, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, वो फर्स्ट टर्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का 0.6, 1.7, फिर 2.8 हो गया, फिर 3.9 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ए तो ये साफ साफ दिख रहा है, यही है ए, ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। अब डी निकालते हैं, डी कैसे पता करेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 1.7 - 0.6, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1.1, ये क्या हो गया, डी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ऐसा सिंपल है ये सारी चीज़ें, ये अपना यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।